दखालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़े नाल राहुल कालाता। इस समय की वड्डी खबर कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब पुलिस वालों पर जो SIT जांच कर रही थी इस पूरे घटनाक्रम की गोलीकांड मामले की, तो अज 7000 पन्नियां दी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और फरीदकोट अदालत दे विच चार्जशीट नूं फाइल कर दिता गया। तो इस दे विच वड्डे लीडरां दे नाम भी शामिल किए गए ने। तो इस 7000 पन्नियां दी रिपोर्ट दे विच SIT वालों जो सुमेध सैनी उमरानगल चरणजीत शर्मा का भी नाम इस दे विच रखा गया है। तो इस तो इलावा साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल नूं भी इस दे विच मुलजम बनाया गया। तो इस पूरे घटनाक्रम नूं लैके 7000 पन्नियां दी जो चार्जशीट दायर की गई, इस दे विच धारा 307 153 119 109 ते 120 सने कई होर धारावां जिहड़ियां जुड़ियां गईयां ने। LK यादव ते SSP बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना की अगवाई वाली इस SIT वालों जो जांच की गई, जांच तो बाद रिपोर्ट फाइल की गई है कोर्ट के विच। तां इस नवी हुण जो चार्जशीट दायर की गई है इस नवी SIT वालों, तो उस दे विच हुण वड्डे लीडरां दे नाम शामिल रख दिए गए ने। तां क्योंकि मौजूदा समय जदों ये गोलीकांड वापरदा तां उस समय पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हुंदे आ ते गृह मंत्री जिहड़े हुंदे आ सुखबीर सिंह बादल हुंदे आ। तो इन्हों तो पुछगिछ भी की SIT की टीम वालों पुछगिछ भी की गई सी। तो पुछगिछ तो बाद हुण फाइल जारी कर दी गई है। तो सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर है कि इस चार्जशीट के विच प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, सुमेध सैनी, उमरा नंगल, चरणजीत शर्मा जो पुलिस अधिकारी है इन्हों के भी नाम शामिल किए गए हैं। और इस तो इलावा जेकर देखा जाए तो इस तो पहले जी कुंवर विजय प्रताप की अगवाई वाली कोटकपुरा गोलीकांड मामले के SIT बनाई गई सी, उस दे विच भी जिहड़ा है उसनू अप्रैल 2021 दे विच रद्द कर दिता गया सी। तो उस तो बाद नवी SIT बनाई गई सी। तो इस तो बाद सरकार ने जो नवे सिरे तो हुक्म दिते सी कि इसकी जांच जिहड़ी है मुकम्मल की जाए नवे सिरे तो, और इस दे उपर जिहड़ा हाईकोर्ट ने भी निगरानी रखी हुई सी। तो इस देखा जाए तो हुण तक बरगाड़ी बेअदबी मामले के विच भी SIT ने 467 पन्नियां की चार्जशीट जिहड़ी है पिछले साल जुलाई महीने के विच दायर कर दी सी। तो हुण कोटकपुरा गोलीकांड मामले के विच भी चार्जशीट दायर कर दी गई है। तो जो बरगाड़ी बेअदबी मामले के विच जो SIT ने जांच अपनी रिपोर्ट तैयार की सी, जो चार्जशीट दायर की सी उसके 467 पन्ने सी। तो इस दे विच डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं साजिशकर्ता दस्या सी इस पूरे जो बेअदबी कांड सी, ते नाल दी नाल डेरा मुखी दे नाल नाल होर डेरा प्रेमी भी इस दे विच मुलजम बनाए गए सी। तां हुण SIT वालों कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच दो अलग अलग मामले चले हुए ने। एक बेअदबी की अलग तो जांच की जा रही सी, ते गोलीकांड की एक वक्त तो अलग की जा रही सी जांच। तां जदों पहलां बेअदबी हुंदी है तां बेअदबी तो बाद फिर गुरु साहब के इंसाफ के लिए जो संगत कोटकपुरा दे विच धरना दे रही होंदिया ने, तो उस समय कार्रवाई की जाती है। पुलिस गोली लगन के नाल दो जड़े है उत्थे जो सिख प्रदर्शनकारी बैठे होंगे उन्होंने दो जने गोली लग जाती है। और इस पूरे कोटकपुरा गोलीकांड मामले में लैके लगातार इंसाफ मंगन दे लई सिख जथेबंदियां लगातार रोस प्रदर्शन कर रही ने, धरने जड़े है पक्के लगे हुए सन। तो हुण इस विचाले पंजाब पुलिस वालों एक चार्जशीट दायर कर दी गई है। 7000 पन्ने की चार्जशीट है और इस दे विच उमरा नंगल, सुमेध सैनी, चरणजीत शर्मा का भी नाम का भी जिक्र किया गया। इस तो अलावा जो सूत्रों के हवाले तो खबर है कि प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल का भी इस SIT दे विच SIT ने अपनी जांच दे विच नाम शामिल किया होया, क्योंकि नवी SIT जो गोलीकांड की जांच कर रही थी इन्होंने प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल नूं भी समन किए से और इन्हों तो भी पुछगिछ की सी। तो इस मामले के हुण SIT ने कोटकपुरा गोलीकांड मामले के विच भी जिहड़ी है चार्जशीट फाइल कर दी है। कुल 8 जिहड़े दोषी ने जिन्हां दे खिलाफ सिट ने अज चलान कोर्ट दे विच फरीदकोट जिले च पेश किया। दोषियों के नाम मैं तुहानूं दस रहा हैगा जो सिट ने इनफॉर्मेशन जो सानू दिती है, उन्हां दे नाम इस तरह हन, श्री प्रकाश सिंह बादल, श्री सुखबीर सिंह बादल, DGP श्री सुमेध सिंह सैनी, IGP श्री परमराज सिंह उमरा नंगर, रिटायर DIG श्री अमर सिंह चाल, SSP श्री चरणजीत सिंह शर्मा, SSP श्री SS मान अते उस वेले दे SHO श्री गुरदीप सिंह जी।
जिहड़ी तफतीश है वह हले सिट वालों जारी है। जिहड़ा चलान पेश कीता गया वह तकरीबन 7,000 पेजिज़ का एक डाकूमेंट है जिदे के कुल 17 पार्ट्स ने 17 पार्ट्स ने और जिहड़े ये मुकदमे ने इन्हां दी तफतीश हले सिट वालों चल रही है।